नंदपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना मुख्य मार्ग ब्लॉक कॉलोनी के निवारी चौराहे की है। जवान सड़क हादसे में नगर की एक निजी शिक्षण संस्था का छात्र असमय मौत का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक छात्र अपने घर लौट रहा था, इसी बीच ब्लॉक कॉलोनी के आगे डंपर ट्राला वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे छात्र बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद स्कूली बच्चों ने पुलिस थाने के सामने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। छुट्टी हो जाती है, उसके बाद एक बच्चा जो देवेंद्र भरदेले नाम है उसका, वो निवारी जा रहा था, पीछे से अपने घर जा रहा था, पीछे से बड़ी गाड़ी ने उसको ठोकर मार दी। हम लोगों ने कई बार प्रशासन को लिखा है कि आप जो है नो एंट्री करें, लेकिन वो जो है ध्यान नहीं दिया गया। अब हम लोगों ने इसलिए आज हमारे पूरे बच्चों ने छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है और मौन जुलूस निकाला है पूरे शहर में, और हम लोग चाहते हैं कि नो एंट्री हो, जिससे आगे की कोई दुर्घटना न हो। लगभग 3:30 बजे ज्ञान ज्योति स्कूल का छात्र देवेंद्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जा रहा था, तभी एक ट्राले ने टक्कर मार दी उसको, जिससे हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। उसी के कारण आज स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को लेकर एक जुलूस निकाला है और ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो नो एंट्री का टाइम सुबह 10 बजे से 11 बजे तक का है और शाम को 4 बजे से 5 बजे तक का है, उसको बढ़ाया जाए। सुबह 9:30 से 11 किया जाए और शाम को 3:30 से 5 किया जाए। इसके संबंध में ज्ञापन दिया।